हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी अवेरिस्ट के बारे में। अवेरिस्ट बहुत सारे ब्रांड में आता है, आप कोई भी ब्रांड का परचेस कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे वैद्यनाथ का अवेरिस्ट के बारे में। एक आयुर्वेदिक टॉनिक है, बहुत सारे हेल्थ इश्यू के लिए इसका यूज किया जाता है। आज की वीडियो में ये टॉनिक के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाली हूँ, इसके फ़ायदे नुकसान, इसका डोज। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच रहे। गाइस, वैद्यनाथ अवेरिस्ट 450 ml का टॉनिक है। इसका प्राइस है 145 rupees। ये आपको कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे लोकल स्टोर हो या कोई भी मेडिकल स्टोर हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये बवासीर का इलाज करता है, एनल फिशर को ठीक करता है, कब्ज में राहत दिलाता है, गैस एसिडिटी के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। ये पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। ये निचली आंत से दबाव को हटाकर लाभ देती है, जिससे कि रेक्टल की नसों में सूजन कम हो जाती है, जो बवासीर का सबसे आम कारण होता है। उसके साथ साथ आंतों की मूवमेंट को नियमित करके ये दवा एनल फिशर को ठीक करने में मदद करती है। एंड ये दवा जिगर के पित्त के बनने और पाचन आंतों को नियमित मूवमेंट को बढ़ावा देती है। ये कब्ज और मल त्यागने में आराम दिलाता है। इसके साथ साथ ये सिरप भूख को बढ़ाने का काम करती है, जिनको भूख नहीं लगती है। ये सिरप पाचन को स्वस्थ बनाकर भूख को बढ़ाने का काम करती है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट है हरी तकी, वो पेट की गैस और एसिडिटी को कम करता है। इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें हरी तकी है, मुनक्का है, गोखरू है, महुआ है, फूल है, वाई विड्रंग, गुड़, इंद्रायणी का जड़, धनिया, चवई, निसोत, दस्तमूल, सौंफ, सौठ, ये सब गुणकारी जड़ी बूटियों को मिलाकर ये सिरप को बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो ये सिरप को डेली सुबह शाम में खाना खाने के बाद आधा से एक घंटे बाद आपको 15 से 20 ml करके लेना है। जितना सिरप लेना उतने पानी के साथ इसको मिक्स करके लेना होता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो दिन में एक बार ले सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो मिर्च मसालों को अवॉइड करना है, ऑयली हैवी फूड को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं किनको नहीं लेना है। तो 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन हो या डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं लेना है। इससे छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो अगर आप इसे ओवर डोज ले लेते हो तो आपको लूज मोशन हो सकता है, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, सूजन आ सकती है, ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एंड नॉर्मल साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते, ये आयुर्वेदिक टॉनिक है। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।